गिलानी उसके काशी पर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए सुनाते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। तड़ियाल रोड पर शिव ट्रेडर्स का उद्घाटन एआरटीओ ने रिबन काट कर किया। रेलवे किनारे पर मिला युवक का शव। शैमफोर्ड स्कूल की किंग्सफोर्ड अकेडमी में हुआ रात्रि टूर्नामेंट का आयोजन। नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले दो युवकों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। अवैध खनन पर प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। तड़ियाल रोड स्थित बस स्टैंड के सामने शिव ट्रेडर्स का उद्घाटन एआरटीओ असित कुमार झा ने रिबन काट कर किया। साथ ही एआरटीओ असित कुमार झा ने बिश्नोई परिवार को इस खास अवसर पर बधाई दी। इसी के साथ शिव ट्रेडर्स के ऑनर नवदीप बिश्नोई ने ई रिक्शाओं के बम्पिंग ऑफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मयूरी ई रिक्शा का एक्सक्लूसिव शोरूम खोला हमने, जिसमें ई रिक्शा है, ई लोडर है, साथ में ई स्कूटी भी हमारे पास। तो हर अलग अलग मॉडल्स हैं, इसमें वैरायटी है, कलर्स हैं, वेरिएंट हैं। लोन की सुविधा भी है इसमें, लोन एंड एक्सचेंज की भी सुविधा है। आप पुरानी गाड़ी ला सकते हैं, नई गाड़ी दे सकते हैं, एंड आपको आधे घंटे के अंदर लोन की फैसिलिटी में आप गाड़ी कस्टमर को डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बहुत फीचर्स है ऐसे हम, और विभिन्न तरीके की सुविधाएँ और आफ्टर सेल सर्विस भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर को प्रोवाइड की है। पहले जो साइकिल वाली पैडल वाली रिक्शा चलती थी उसमें आदमी इतना मेहनत करता था, लेकिन अब ई रिक्शा के आने से आदमी अपने कमाई का रोजगार भी बढ़ा सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। और हम पे विभिन्न टाइप की स्कूटी ई रिक्शा भी, और आज के दिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग हमारे को। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है शिव ट्रेडर्स के द्वारा एक नए शोरूम का आज उद्घाटन हुआ है, और यहाँ पर ई व्हीकल से संबंधित जो भी है वो सर्विस और बिक्री की जाएगी, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। और क्षेत्र की जनता को से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो लोग भी जो है धीरे धीरे ई व्हीकल पर शिफ्ट करें, ताकि जो है वायु प्रदूषण से बचा जा सके और उससे होने वाले हानियों को कम किया जा सके। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के गड्ढा कॉलोनी में एक युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त रवि कश्यप निवासी कचनाल गाजी के रूप में हुई है। आज सुबह लगभग 6 बजे मृतक रवि का शव रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही प्रतापपुर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामनगर रोड स्थित शैमफोर्ड स्कूल प्रतापपुर में किंग्सफोर्ड क्रिकेट लीग का शुभारंभ पीएसआर के एमडी प्रमोद तोमर और आईजीएल के उपाध्यक्ष मधुप मिश्रा द्वारा किया गया। इस लीग का पहला मैच आईजीएल काशीपुर और किंग्स इलेवन के बीच हुआ, जिसमें आईजीएल के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। वहीं किंग्स इलेवन की टीम ने मैच जीतकर लक्ष्य हासिल किया। देखिए, इस विषय में मेरा कहना है कि आईपीएल के तर्ज पर क्षेत्र में भी इस तरह के मैचेज होते रहने चाहिए, जिससे वातावरण ऊर्जित भी रहता है, नई प्रतिभाओं को उभरने का भी मौका मिलेगा और निखरने का भी मौका मिलेगा। इस संबंध में मेरा यही कहना है। तो सभी युवाओं से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं टीम भावना के साथ, स्फूर्ति के साथ मैच खेलेंगे
नए युवा, नई पीढ़ी इससे प्रेरित होकर के और आगे बढ़ेगी। तो हम सोचते हैं अभी तो क्षेत्र में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, यहाँ की प्रतिभाएं जो निखर के आएंगी, हो सकता है स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पर भी खेलें, ऐसी उम्मीद समझते हैं। यही मेरा शुभकामना भी रहती है। मैं आज की प्रतिभागी टीम IGL एंड किंग्स 11 के बीच जो मैच खेला जा रहा है, इसमें IGL ने टॉस जीता है और यहाँ पर बेहतरीन मैच देखने को मिल रहा है। और खुशी इस बात की होती है कि सारे यहाँ पर प्रतिभाग करने वाले लोग सब अपने अपने कामों में व्यस्त लोग हैं, उसके बावजूद खेल के लिए समय निकालते हैं। और जो खेल भावना मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खेल समाज को जोड़ता है और व्यक्ति जब खेल में इंटरेस्ट लेता है तो एक वो तो टीम भावना जब जुड़ती है तो समाज में एक अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं। मैं रेनेशा कॉलेज की तरफ से सभी प्रतिभागियों को और आयोजक टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस उम्मीद करता हूँ कि ये खेल भावना बनी रहेगी और यहाँ पर प्रतिभागी टीमें अधिक से अधिक यहाँ पर प्रतिभाग करेंगी और यहाँ पर हमारे क्षेत्र में खेल कूद के विकास होता रहेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिंगल जी को भी कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा स्टेडियम यहाँ पर बनाकर उन्होंने यहाँ के युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और उसके लिए ये बहुत बधाई के पात्र है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लो पक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करी। स्कूल आते जाते नाबालिग से छेड़छाड़ में अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है, जिसमें किशोरी के चाचा ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि मोहल्ला टांडा उज्जैन निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 13 वर्षीय भतीजी रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल में पढ़ती है। इस दौरान आते जाते मोहल्ले के दो युवकों ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और भतीजी के विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसे किशोरी व उसका परिवार डर के साय में है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोसी नदी में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने छापा मार कर खनन से भरे 3 वाहनों को पकड़कर सीज किया है। आपको बता दें कि बीती रविवार को SDM के निर्देश पर काशीपुर तहसीलदार यूसुफ अली ने अजीतपुर के पास कोसी नदी में औचक निरीक्षण किया, जिसके चलते खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया, जिसके चलते कई लोग वाहन लेकर भाग निकले। इस दौरान दिन दहाड़े अवैध खनन करने पर टीम ने डंपर को सीज भी किया। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।